खाटू श्याम जी से हम विदा होते हुए, और बाबा हमें हर बार ऐसे ही बुलाए। बोलो खाटू नरेश की जय। बोलो दिया बाबा, गजबी ढा दिया की बाबा। मजा आया भाई, मजा आ गया। ट्रिप में इसलिए मजा आया, गर्मी ना के बराबर थी। जिस तरह लोगों ने बताया, मेरे दोस्तों ने बताया कि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है राजस्थान में, 6 बजे ही धूप आकर पसीने तार कर रही थी। हमने ऐसा महसूस किया कि 2 बजे हमने निशान यात्रा की और 8 बजे तक भी हमें धूप का नामो निशान नहीं मिला। तो ये बाबा का प्यार नहीं है तो क्या है? क्या है? हम भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि आने पर उन्होंने मौसम इतना जोरदार कर दिया। और जैसे अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, मौसम और भी खुशनुमा होता जा रहा है और साथ में बूंदाबांदी भी हुई है। आप देख सकते हैं मेरे शीशे पर ये बूंदाबांदी के निशान, सबूत। तो आइए जानते हैं कुछ भक्त गणों से कि उनका अनुभव कैसा रहा। चौहान साहब, मैं बोलना चाहूँगा, हमने पहली बार निशान लेकर हम चले थे पहली बार, तो जैसा होता है ना, पहली बार के परेशान हो जाता है इंसान और दिक्कत होती है उसको, पता नहीं होता चीज़ें। हम पता तो करके चले थे सब कुछ, लेकिन उसके बाद भाई साहब जो मज़ा आया है बेहतरीन वाला, फर्स्ट क्लास एकदम, दिल खुश हो गया। थकान थोड़ी बहुत होती है, देखो हर किसी को होती है फील, लेकिन जैसे ही हम भवन में पहुंचते हैं, एंट्री करते हैं, पता नहीं, वो तो खैर कहने वाली बात नहीं होती, ये तो एक पॉजिटिविटी एक अलग है, वो तो है ही है बाबा शक्तिशाली एकदम। तो मंदिर में जैसे ही प्रवेश होता है ना, हमें नहीं पता चलती थकान कहाँ है हमारी, हम हो जाते हैं फ्रेश एकदम, बिल्कुल जैसे कुछ नहीं किया हमने, कोई मेहनत नहीं कुछ नहीं। तो भैया वहीं दिल खुश हो गया था अपना, गजब मजा आ गया। और आप देख सकते हैं भक्तजनों की भीड़ उमड़ कर किस तरीके से आ रही है। हमारे साथ हैं हमारे डायरेक्टर साहब, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। जय खाटू श्याम भाई, हमें तो बहुत मज़ा आया, मतलब पहली बार हम 20 किलोमीटर पैदल चले लाइफ में, तो बहुत मज़ा आया। पैर जरूर दुख रहे हैं, अभी चप्पल ढूंढने भी जाएंगे अभी सर्च ऑपरेशन चलेगा, अभी थोड़ी देर में हम सर्च ऑपरेशन करेंगे चप्पल के लिए, क्योंकि सुबह से हमने एक खुफिया तरीके से चप्पलें छुपा दी एक एक करके, बनिया बुद्धि लगा के पर ढूंढने जाएंगे। अभी बोला तो है नितिन सर, कह रहे हैं कि नहीं दिला देंगे, पर मैंने कहा कि नहीं, इतना खर्चा नहीं करना है हमें, हम पुरानी ही लेके जाएंगे। बाकी बहुत मजा आया, मतलब आनंद आ गया। 3 बार दर्शन किए और एक नंबर के दर्शन हो गए हमें, कोई दिक्कत नहीं आई हमें, ना गर्मी ना कुछ नहीं, मजा आ गया। ये देखो डायरेक्टर साहब, भाई साहब है तो कैडी फर्म हैवी वाली बातचीत एकदम, लेकिन चप्पल छुपाने का वो देखो इनका मैटर। ए अब सर्च ऑपरेशन चार, ए ये निकाली एक चप्पल, ये भाई ये होती है मोटी फर्म की पहचान, लाला आदमियों की यही पहचान है भाई, पैसा नहीं दिखाते अपने। और देख लो वो चप्पल, और एक तो अलग अलग छुपाई थी ताकि कोई अगर पार करे ना तो पार कर ना पाए, पूरी एक ही चप्पल मिले, बस एक अलग छुपाई है और दूसरी अलग जगह छुपाई है। ये मिशन कंप्लीट हुआ भाई, खिलाड़ी आदमी बनिए की बुद्धि को कोई टक्कर नहीं दे सकता भाई पहली दिमाग से खेल जाते हैं। मिल चुकी है अब दोबारा, और तो फाइनली हमारी चप्पलें हमें मिल चुकी है, और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है मेरे को। तो मतलब हम सुबह, मैंने यहाँ छोड़ दिया था कि देखेंगे, क्योंकि दिक्कत हो रही थी चलने में, बहुत ज्यादा बहुत दर्द कर रहे थे, मिलेगी ठीक वरना नहीं। तो बनिया बुद्धि लगाई थोड़ी कि भाई चप्पल भी घूमनी हो तो एक चप्पल यहाँ रखी, दूसरी चप्पल को कुछ दूरी पे हमने छुपा दिया। भाई साहब नासी मारा तगड़े तरीके से, जो प्लानिंग वाली थी ना, एक जोड़ी लेके जाएगा, अलग अलग चप्पल छुपा देगा, चप्पल तो लेके नहीं जाएगा। तो फाइनली जाते टाइम हम फिर दोबारा गए, तो फाइनली दोनों चप्पल हमें मिल गई है, तो बाबा का बहुत और भी खुशी महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। नहीं चप्पल देखा जाए तो इन्होंने दिमाग भी कहाँ लगाया, जहाँ लिखा है मुदीर बादिर मंद बुद्धि बहादुर मंद बुद्धि, उसी जगह मंद बुद्धि जगह दिमाग लगाया अपना, गजब भाई गजब। एक हमें ऐसी जगह चाहिए थी,
फाइनली हमें कोई ऐसी जगह भी तो चाहिए थी कि जो हमें याद रहे बाद में लाने के लिए, पता चला याद ही नहीं रहे हमें। ये तो इनके लिए एक संदेश हो गया। गजब भाई गजब। पहले तो हमने गौशाला के वहाँ छुपाने की कोशिश करी थी, पर वहाँ सांप दिख रही थी दोनों चप्पलों में, पता था कि कोई ना कोई ले जाएगा यहाँ से। फाइनली मिल गई बहुत। और अगली बार से ताला और लेके आओगे चप्पलों के लिए, है ना। अगली बार वो ट्रेन में ले जाने के लिए बैग जब ले जाते हैं ना, उस पर ताला लगाते हैं ना। हाँ वही वाला ताला। ठीक है, क्या कहते हो? बताओ किसको बेवकूफ बनाया, ये तो मुझको बंदी करवा देंगे। ले तेरे मन बुद्धि पे मूत दिया। गजब भाई। चलो रात हो चुकी है, प्रस्थान करते हैं और जय श्री श्याम। चले श्री श्याम, चले चलो चलो। दोस्तों आपके नितिन चौहान ड्राइवरी का भी काम करते हैं पार्ट टाइम, तभी जाके वीडियो के पैसे कमा पाते हैं। तुझे अक्कल है? तू क्या बोल रही है? चुप! कपड़ा मारते हुए, यही है इनकी कमाई का स्रोत। आपको लगता होगा वीडियो से पैसे कमाते होंगे, पर ये असली इनका चेहरा है, आप ध्यान से देख लीजिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। शीशे साफ करते हुए, अभी इस हाईवे पे जितनी भी गाड़ी आएगी ऐसे ही साफ करेंगे ये। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। पहले अपनी गाड़ी से बोनी करते हुए, लेके मैं आया मेरी